सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज के दिन के सुबह के नई शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 14, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उनके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमेन। मेरे प्रियो, ये वचन कह रही है कि परमेश्वर इस वचन के माध्यम से कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, कहता है कि उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे स्नेह करते हैं, मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, जिन लोगों ने मुझे जान लिया है और अपने जीवन में मुझे पहला स्थान देते हैं, मेरी शरण लेकर चलते हैं, मेरे अधीन होकर चलते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है उन लोगों के लिए कहता है कि इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, वचन कहती है कि वह परमेश्वर कहता है कि मैं अपने चाहने वालों को, अपने प्रेम रखने वालों को और अपने यानी मेरे मार्ग पे चलने वाले जितने हैं ऐसे लोगों को मैं सदा छुड़ाऊंगा, उन्हें बचाऊंगा, उनकी रक्षा करूंगा। कहता है उनके प्राण की रक्षा मैं करूंगा, कहता है कि मैं उनको हर विपत्ति से छुड़ाऊंगा, उनको हर विपत्ति से छुड़ाऊंगा और उन्हें स्वर्ग का ऊंचा स्थान दूंगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग से ऊंचा कोई स्थान नहीं होता है, ना ही कोई ऊंचाई होती है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं ऊंचे स्थान पे उन्हें रखूंगा। किसको? कि जो लोग उससे स्नेह रखने वाले हैं, जो लोग उसके नाम को जान गए हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसके मार्ग पे चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए वह प्रभु कहता है कि जिन लोगों ने मुझे जान लिया है, जिन लोगों ने मुझसे प्रेम किया है, जो मेरे मार्ग पे चलते हैं, वह प्रभु कहता है कि मैं उनको हर विपत्ति से छुड़ाता रहूंगा और उन्हें ऊंचा स्थान दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि वे लोग मेरे नाम को जान लिए हैं, मुझे मेरी सच्चाई को जान लिए हैं। इसलिए वह कहता है कि मैं उनको, ऐसे लोगों को जो मेरे मार्ग पे चलने वाले हैं, ऐसे लोगों को मैं ऊंचे स्थान पे स्वर्ग में रखूंगा और हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बीमारी, हर महामारी, हर विपत्ति से मैं उनको छुड़ाता रहूंगा। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वह जब भी मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी पुकार सुनूंगा। कहता है वे लोग चाहे जब मुझे पुकारे, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, सुबह में हो, शाम में हो, दोपहर हो, रात हो, चाहे जब भी वह मुझे पुकारे, दिन में चाहे रात में, कहता है मैं उनकी सुनूंगा। चाहे जिस हालात में वह मुझे पुकारेंगे, कौन से लोग? कि जिन लोगों, जो लोग परमेश्वर से स्नेह रखते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, उनको, उनके लिए कहता है कि वह जब भी मुझे पुकारेंगे मैं उनकी पुकार को सुनूंगा। संकट के दिन जब आएंगे तो मैं उनके संग आ जाऊंगा। जब भी वह संकट में पड़ेंगे तो संकट के दिनों में मैं स्वयं उनके संग आ जाऊंगा और संकट से उन्हें बचाऊंगा। इतना ही नहीं कहता है, संकट के दिन में मैं उनके संग आ जाऊंगा और उन संकटों से मैं उन्हें बचाऊंगा और बचाकर उनको क्या करूंगा? अपने नाम की महिमा दूंगा। कहता है मैं उनकी महिमा बढ़ाऊंगा, कहता है मैं उन्हें संकटों से बचा लूंगा और बचाने के बाद उनकी महिमा को बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो,
आप भी परमेश्वर के नाम को जानते हैं। आपका परमेश्वर कैसा है आप जानते हो कि आपका परमेश्वर भला है। वह बुराई से घृणा करता, भलाई से प्रेम करता है और हर एक को यही शिक्षा देता है कि बुराई को छोड़ो, भलाई का मार्ग धारण करो। तो जो लोग उस परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते, मानते और उस पे चलते हैं और उस परमेश्वर से प्रेम जताते हैं, आराधना करते हैं, विश्वास से करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वह स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सारी कृपा, सारी दया और सारी आशीष से उस मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, विपत्ति, बीमारी, महामारी, क्लेश, संकट, उपद्रव से उन्हें बचा कर रखता है। हर प्रकार के बंधनों से छुड़ा कर रखता है, हर प्रकार की समस्याओं से बचा कर रखता है और उनके जीवन में अपनी बहुतायत की आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देगा और आपको भी बचा कर रखेगा और आपको भी ऊंचा स्थान देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान पूरे दिन परमेश्वर आपको अपने आशीष में रखेगा। धन्यवाद 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 करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का कर्ता, जगत का उद्धार करता, जगत का निर्माण करता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को हम इनके संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे, कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव इनके जीवन में ना हो, ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को तू संभाल कर रख पिता, कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर इनके बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके और इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे, कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पे आशीष दे कि वो पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे, कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही, जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीवित उठेगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, कि इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियाँ बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पर तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता करता, कि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए, परमेश्वर उनके ऊपर आशीष दे ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से, खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि स्वर्ग की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले।
स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर, जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते परमेश्वर, उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर, हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रख। जिसके पास मकान नहीं प्रभु, उसे मकान देकर आशीष दे हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। और जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान देकर आशीष दे हे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जिनके पास से परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर, ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु, हर गरीबों के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे मेरे महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ हे परमेश्वर। हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है इस मसीह तेरे नाम से, इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी।